मैं आ चुका है एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है पद्मश्री अवार्ड जो कुछ दिनों पहले दिया गया था, एंड दूसरा टॉपिक है हमारा उर्वशी रौतेला, बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला। अब आप लोग सोच रहे होंगे उर्वशी रौतेला ने ऐसा क्या किया। उर्वशी रौतेला को तो हम फाइनली साइड में करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं पद्मश्री पर। पद्मश्री एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे मैं काफी दिनों से बात करना चाहता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बात यह है, कुछ दिनों पहले पद्मश्री अवार्ड सभी को दिया गया था, मतलब सभी नहीं जिन्होंने अच्छा काम किया था, एंड काफी डिजर्विंग लोगों को अवार्ड दिया गया था। उनमें कुछ चूतियों को भी अवार्ड दिया गया था, ये जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। मैं हाँ मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी एकता कपूर ने ऐसा देश के लिए ऐसा क्या किया, देश के हित में ऐसा क्या कर दिया जो आप उसे पद्मश्री देना चाहेंगे। इसने किया ही क्या है देश में, करने के अलावा देश के लौंडों को खोखले करने के अलावा इसने किया ही क्या है। और दूसरी बात पे आते हैं कंगना रनौत। अब बताओ आप कंगना रनौत ने देश के लिए या देश के हित के लिए ऐसा क्या कर दिया जो मोदी जी एंड राष्ट्रपति हमारे जो है रामनाथ कोविंद जी ने अवार्ड दे दिया। तो मैं इसके काफी ज्यादा खिलाफ। इन्हीं सब के बीच में एक चूतिए को और अवार्ड दिया गया था जिसका मैं नाम अपने जुबान से नहीं लेना चाहता और मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। तो चलिए फाइनली गाइस हम आते हैं अपने मेन टॉपिक उर्वशी रौतेला के ऊपर। गाइस काफी दिनों से मैं सोच रहा था इसके ऊपर रोस्ट बनाऊं, लेकिन मैं कुछ कारणों की वजह रोस्ट नहीं बना पा रहा था। लेकिन इस एक्ट्रेस ने पूरे दिमाग का भाजी पाला कर रखा है, तो मैं वीडियो बनाने से खुद को रोक नहीं सका। तो चलिए मैं आपको लेट एक्सप्लेन एवरीथिंग, मतलब मैं धीरे धीरे सब चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ। तो हम शुरू करते हैं इसके इंस्टा बायो से। इंस्टा बायो में इसने लिखा एलिस पुलिस, पता नहीं किस भाषा में इसने क्या लिख रखा, इसका कोई मतलब नहीं है, पता नहीं। इसके बाद में हम आपको सर्च करके शायद बता दें वीडियो के एंड में कि इसका मतलब क्या होता है। एंड अगली बार आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मेंशन किया फाउंडेशन। खैर क्या ही फाउंडेशन इसका है, कहीं ये क्रीम व्रीम तो फाउंडेशन नहीं समझते, उसे मैंने सर्च किया इसका तो कोई फाउंडेशन है ही नहीं। एंड इसके बाद इसने अपने इंस्टा बायो में मेंशन कर रखा है एक्ट्रेस। यस ये हुई ना बात, तो चलिए गूगल बाबा से पता करते हैं इसकी कौन सी मूवी है। अच्छा तो इसने कुछ मूवीज भी की हैं, तो पहले बात आती है हेट स्टोरी फेवर, दूसरी ग्रीड ग्रैंड मस्ती। लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, इसमें कहीं तुमको न्यूडिटी के अलावा कहीं एक्टिंग दिखी है? तो इसका ये जो कॉन्सेप्ट है ना एक्ट्रेस, ये भी दूसरी जगह पर रख रखा है इंटरनेशनल परफॉर्मर। मैंने तो आज तक इसे कहीं नहीं देखा किसी भी जगह पर परफॉर्म करते हुए, नेशनल क्या इंटरनेशनल भी नहीं। ओ भाई इसने इसके आगे जो लिख रखा है ना वो देख के कतई आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसने आगे लिखा प्रोड्यूसर, तो गूगल बाबा हम पता करते हैं इसने कौन सी मूवी प्रोड्यूस की है। कहाँ दिखा, कहीं दिख रहा है तुमको? तो इसका जो प्रोड्यूसर वाला कॉन्सेप्ट है ये भी है गलत। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ओ तो ये सिंगर भी हैं, लेट मी चेक, इसको भी हम चेक करते हैं ये सिंगर है या नहीं। उर्वशी रौतेला सॉन्ग एक आया है। तो चलिए स्वागत है आप सभी का बप्पी लहरी म्यूजिक में, जिसके सिंगर है उर्वशी रौतेला जो कि इस गाने में गाने वाली। इस गाने को चलिए शुरू करते हैं। अबे इससे अच्छा तो मेरे गली का कुत्ता गाना गा लेता है। सुनो अभी एक हम बात करते हैं एक मैच्योरिटी की बात, मैच्योरिटी मतलब लेवल अप कंटेंट के बारे में। तो इसने इससे पहले इसने लिख रखा था अपने इंस्टा बायो में IITN, इसका मतलब इसने IIT की है एंड IIT में काफी अच्छा स्कोर किया। लेट हम इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपोज करेंगे। अभी तो इसने हटा दिया क्योंकि इसको जब पता चला लोग इसको लेकर रोस्ट कर रहे हैं तो इसने हटा दिया। तो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं ये IITN है या नहीं। तो इसका जन्म हुआ 1994 में, एंड इंटर करने के लिए कम से कम 16 साल है चाहिए, तो हम ले लेते हैं 2010 ले लेते हैं इसने एंटर किया। एंटर करने के बाद इसके 2012 में इसको मिस यूनिवर्स बनाया गया, पता नहीं क्या देख के मिस यूनिवर्स बनाया गया। एंड 2013 में इसने मूवी कर ली कई सारी। अब बताओ एंड अभी तक मूवीज ये करते रहे, इसके बीच में कब से इसने IIT कर लिया? और सुनो IIT वो कोई हलवा नहीं भाई, मेरा एक CA कर रहा है अभी तक नहीं हो पाया।
तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने उर्वशी रौतेला और पद्मश्री पर बात की। अगर आप चाहते हैं अभी तो काफी कुछ बहुत ज्यादा चीजें इसके बारे में, अभी तो मैंने इसके पोस्ट के बारे में, इसके रील्स के बारे में बात ही नहीं करी है। अगर आप इस वीडियो पर 50 लाइक का एम रखते हैं, अगर इस वीडियो पर 50 लाइक हो जाते हैं तो मैं पार्ट 2 निकालूंगा एंड फुल्ली इसको एक्सपोज करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। इसके कैप्शन तो भाई इसके ओपी है, तुम इंस्टाग्राम पर जाकर चेक कर सकते हो। अगर इस वीडियो पर 50 लाइक हो गए तो हम पार्ट 2 भी निकालेंगे और ऐसे कई नमूनों को पकड़ेंगे और उनका भाजी बुलाया करेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और सुनो, सबसे जरूरी काम आपको क्या करना है, चाहे आप उर्वशी रौतेला करो, पद्मश्री करो, करण, खैर इसका मैं नाम नहीं लूंगा, तुम कंगना रनौत करो या एकता कपूर, कुछ भी करो, लेकिन यार जो रेड बटन सब्सक्राइब है यार उसको मारो कि ग्रे हो जाए, ऐसा मारो ग्रे हो जाए। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद। मैं कोशिश करता बड़ी देखता तेरा भूल जाए नहीं।